is sponsored by. छोटे से शहर बोकारो से यहाँ के बच्चे नेशनल लेवल पर जा रहे हैं। कहा जाता है इस गेम को खेलने के लिए मेंटल और फिजिकल दोनों को बैलेंस करना पड़ता है। हम ये जानना चाहेंगे यहाँ इनके कोच से कि किस तरह से बच्चों को तैयारी कर रहे हैं, किस तरह की तैयारी और कहाँ लेके बच्चों जा रहे हैं। ये हमारे बच्चे MGM के बच्चे हैं, ये रोप स्केपिंग में CBSE नेशनल में अमृतसर जा रहे हैं और हमारे बच्चों ने बहुत मेहनत किया है, दिन रात ये लगे। और मैं बताना चाहूँगी रोप स्केपिंग एक रिदमिक गेम है, ठीक है, इसमें म्यूज़िक के साथ इनको परफॉर्म करना पड़ता है, तो रिदम चाहिए, इसके लिए कोऑर्डिनेशन भी चाहिए। तो ये बच्चे दिन रात लगे हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स, डिफरेंट डिफरेंट मूव्स कर रहे हैं और मुझे होप है कि ये जाके बहुत अच्छा करने वाले हैं और MGM का नाम रोशन करेंगे हमारे बच्चे। मैडम, ये एक जो गेम हो रहा है इसमें किस दो पॉइंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है बच्चों? सबसे पहले है इनका कोऑर्डिनेशन, अगर कोऑर्डिनेशन थोड़ा भी नहीं रहा, रिदम नहीं रहा बॉडी में, तो ये मूव नहीं कर पाएंगे। और एक कोऑर्डिनेशन और इनके चाहिए इसके साथ एजिलिटी, कोऑर्डिनेशन एजिलिटी चाहिए, ये मूवमेंट के साथ कितना स्पीड से कर सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्रुप प्रोग्राम होता है या इंडिविजुअल? इंडिविजुअल एंड ग्रुप दोनों हैं। तो आपके बच्चे क्या करेंगे, इंडिविजुअल या ग्रुप? दोनों करेंगे हमारे बच्चे, इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों करेंगे। ये जैसा आप बता रही कि रिदम को मेंटेन करना है, तो क्या मेंटल लेवल और फिजिकल दोनों को बैलेंस करना पड़ता होगा? डेफिनेटली मेंटल और फिजिकल दोनों ही करना पड़ता है, क्योंकि टाइम लिमिटेशन है, कुछ कुछ इवेंट है, अलग अलग इवेंट है, तो किसी में टाइम मेंटेन करता है, टाइम मेंटेन में वो कितना स्पीड कर सकते हैं उसमें उसका एंड्योरेंस टेस्ट होता है, तो जितने उतने टाइम में कितना वो रोप स्किप कर सकते हैं, ठीक है, वो है। तो इसके लिए डेफिनेटली मेंटली प्रिपेयर नहीं रहेंगे तो देवेन अगर नर्वस हो जाएंगे तो रिदम टूट जाएगा, रिदम टूट जाएंगे तो ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। मतलब 8 बच्चों का आपके स्कूल से सिलेक्शन हुआ है और इन लोग गेम के बाद इन लोगों को क्या ऐसा मेडिटेशन या किस तरह से वो लोग अपने ब्रेन को लेवल करते हैं? ये लोग अलग अलग तरीके से हम लोग इसका मेडिटेशन करवाते हैं। सबसे पहले तो इन लोगों का जो प्रैक्टिस सेशन रहता है, प्रैक्टिस सेशन में सबसे पहले आते हैं ये लोग, आपस में एक साथ बैठते हैं, ये लोग बात करते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है, उसके बाद ये लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं और आफ्टर प्रैक्टिस अगेन ये लोग डिस्कस करते हैं कि आज हमारा कहाँ लैकिंग रहा, कहाँ नहीं रहा और हमको क्या इम्प्रूव करना है। ये एक दूसरे से एकदम बात करते हैं और हम लोग सब कुछ कोऑर्डिनेट करते हैं एक तरीके से। यहाँ से अमृतसर जा रही है पंजाब, होप है आप लोग अच्छा करके आएंगे, जितना आपने तैयारी है। मैं एक चीज़ बताया कि यहाँ से जाने की सिक्योरिटी क्या है, बच्चों को कैसे ले जा रहे हैं, कैसे आपका प्लान है? बच्चों का हम लोग सबसे पहले यहाँ से हमारी ट्रेन मोरी से है, तो हम लोग यहाँ से ट्रेन से जा रहे हैं और हमारे साथ सर भी जा रहे हैं और मैं भी जा रही हूँ खुद इनके साथ। उसके बाद वहाँ से ट्रेन है और ट्रेन से डायरेक्ट वहाँ पर फिर हमारे वहाँ पर जो अमृतसर में जो इनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो लोग बसेस भेज देंगे, फिर वहाँ के हम लोग का जितना भी रहना खाना सब हमारे वो पर्टिकुलर स्कूल में ही होगा और स्कूल ही हमारा सब कुछ प्रोवाइड करेगा। कैमरामैन सुदीप के साथ मैं हिमांशु, द टाइम्स मीडिया।